जी उपाध्याय जी, इस टीले के बारे में प्लीज हमें बताएं कि सरसावा में जो टीला स्थित है उसकी कहानी कहाँ तक पीछे जाती है। देखिए, सरसावा जो है वो प्राचीन सिरसापट्टन नगर हुआ करता था और कभी यमुना नदी सरसावा के बिल्कुल नजदीक से होकर बहा करती थी। धीरे धीरे यमुना नदी दूर चली गई। पहले सरसावा से नौकाबैन होता था और यहीं से होकर कभी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला तक शिवालिक की लाट इसी सरसावा के निकट से होकर नदी के माध्यम से गई थी। अच्छा। हाँ, और ये यमुना नगर का टोपरा कला गांव से फिरोजशाह तुगलक ले गया था। तो सरसावा जो कस्बा है ये प्राचीनतम कस्बा है और ये उत्तरापथ पर स्थित था कभी। आज उत्तरापथ की दृष्टि से हम इस क्षेत्र को नहीं जानते, तो सरसावा के कई और ऐतिहासिक पक्ष भी है। अच्छा, आपने ये उत्तरापथ कहा जी, तो उत्तरापथ यानी कि कोई एक मशहूर सड़क या कोई ऐसा विभाजन रेखा रहती होगी? हाँ बिल्कुल, प्राचीन भारत में जो प्रमुख मार्ग माने जाते हैं उनमें दक्षिणापथ जी और उत्तरापथ दो पथ का नाम आता है। तो उत्तरापथ उसमें से एक है जो भारत में प्रवेश के लिए पश्चिम से एक रास्ता बनता था। कभी इसी मार्ग से गजनवी भी भारत में आया था जी, और बाबर का पहला पड़ाव पानीपत के युद्ध से पहले यही अच्छा। यही सरसावा में लगा था। और सरसावा के इसी महत्व को देखते हुए अलेक्जेंडर कनिंगम ने सरसावा को गेटवे ऑफ यमुना कहा कि अगर यमुना नदी कहीं पार हो सकती है तो वो सरसावा ही है। चीन का यात्री ह्वेनसांग भी सरसावा से बेहट और बेहट से मायापुर जो वर्तमान में हरिद्वार है वहां गया था। तो ये इस क्षेत्र की अच्छा, तो मतलब हम जिस तरह से इसको सरसावा बोल के सोचते हैं छोटी मोटी जगह है जी, पर पुरातनता और इसका महत्व तो अपने आप में बहुत जानने जैसा है जी। बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऋग्वेदिक काल के बाद जो संस्कृति यमुना के किनारे आगे बढ़ी उनमें से एक प्राचीनतम नगर सरसावा भी था। यानी कि आपने कहा ऋग्वेद का जो समय रहा, यानी कि जब ये सरस्वती के पास से जब संस्कृति सिमटने लगी है तब की बात आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, उसके बाद जो संस्कृतियों का विकास, संस्कृति भारतीय संस्कृति का जो विकास हुआ वो उसमें से एक सरसावा भी इधर क्षेत्र है। देखिए यहाँ इसे पुरातन ईंटें आप देख सकते हैं, इस टीले पर बहुत सारे संस्कृतियों के अवशेष। अच्छा, अभी जो आपने ये हाथ में ईंट उठाई है किस तरह की उठ रही है? देखिए, क्योंकि सरसावा का जो टीला है ये कई प्रकार की संस्कृतियों का क्रमिक विकास इस पर दृष्टिगोचर होता है। तो ये जो ईंट प्रथम दृष्टवा लगती है तो ये कम से कम 2000 से 2200 साल पुरानी ईंट होनी चाहिए। तो वैसे इसमें यहाँ टीले के ऊपर आप देखेंगे, जैसे ये आप ये देखिए, अभी बिल्कुल आपके सामने एक चीज मुझे प्राप्त हुई है, टेराकोटा बॉल। ये देखिए, ये बिल्कुल अभी आपके सामने है। तो आपकी यात्रा सार्थक हो गई। टेराकोटा बॉल ये जो मिलती हैं और इनके विषय में माना जाता है ये उत्तर सिंधु काल या कुछ कई बार उत्तर वैदिक काल से भी संदर्भित कर दिया जाता है। तो देखिए बिल्कुल टेराकोटा बॉल हमें यहीं से प्राप्त हुई है। और भी अवशेष यहाँ दिखाई देंगे आपको, जैसे ये देखिए एक छोटा सा ये मिट्टी का टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये दूसर चित्रित मृद भांड PGW जिसको बोलते हैं उसका टुकड़ा है। तो ये भी ईसा से करीब 500 से लेकर 1000 साल या कुछ लोग 800 साल पीछे तक ले जाते हैं, यानी कि 2500 से 3000 साल के बीच का ये मिट्टी के टुकड़े का उसे हम यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, एक अगर हम ये टीला देखें तो ये तो काफी विस्तृत है। जी बिल्कुल, ये टीला इतना बड़ा टीला है कि इस पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और बॉल नीचे नहीं जाती, इतना बड़ा विशाल का टीला है। और दूसरा कि ये भी लगता है कि जैसे यहाँ पर ऊंचाई है तो एक समय पर एक लंबी दूर तक इसका स्लोप भी रहता होगा। बिल्कुल, ये कम से कम आज से 20 साल पहले 1.5 गुना हुआ करता था, जो आज मान सकते हैं इसमें से 50% अक्षेत्र इसमें कट गया है
कुछ कॉलोनियां काट दी गई हैं, जमीनें काट दी गई हैं और निरंतर ये काटा जा रहा है और इस ओर सरकार का और पुरातत्व विभाग का। अगर हम जिस साइट के ऊपर हम खड़े हैं इसकी पुरातनता की ओर अगर हम जाएं तो आपको जो आपका अपना अध्ययन है उसके अनुसार आप क्या पाते हैं कि सबसे पहली बसाहट यहाँ पर कब रखी होगी और कितने फेज की बसाहट यहाँ पर रही होगी? देखिए, क्योंकि इस टीले का क्रमिक विकास हुआ है, ऊपर हम जैसे अभी आप एक मिनट इसको दिखाइएगा, ये एक दीवार का हिस्सा दिखाई देता है, तो ये पूरा एक दीवार का हिस्सा है, तो इसके ऊपर जो लगता है कि ये बाद के निर्माण है, जो नीचे नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं तो जिस तरह की पोर्ट्री मिलती है तो प्राचीनता की ओर और बढ़ते हैं हम, तो नीचे कम से कम 2500 से 3000 साल पुराने अवशेष हमें मिलते हैं। वैसे में लगता है कि ये वही समय रहा होगा जब वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए लोग यमुना के किनारे बसने शुरू हुए होंगे, तो ये वही प्रतीत होता है क्योंकि PGW पोर्ट्री तो यहाँ से मिलती ही है, तो ऐसे में 2500 साल तो पीछे जाते ही हैं हम। और जिस समय की तरफ आपने इशारा किया कि इसको एक तरह से यमुना के द्वार के तौर पर देखा जाता था, तो उस समय के नगर की किस तरह की अवस्थिति रहती होगी, वो कितना बड़ा नगर था, क्या उसके लोगों के काम रहते होंगे, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, अगर नगर की दृष्टि से हम देखें तो केवल हम टीले से नगर को नहीं आंक सकते, क्योंकि सरसावा के पास में कई ऐसे गैर आबाद क्षेत्र हैं, जैसे गणेशपुर क्षेत्र है, यहाँ पर वहां से भी प्राचीन अवशेष मिलते हैं, एक क्षेत्र कादरगढ़ है उससे भी प्राचीन यहाँ अवशेष मिलते हैं, तो और एक यहाँ नगर है जो वर्तमान में गांव है पटनी, तो कहते हैं सरसावा और पटनी को मिलके ही ये नगर बनता था, सिरसा पट्टन। तो ऐसे में ये कई किलोमीटर लंबा नगर नजर आता है, लेकिन क्योंकि कितना लंबा कालखंड हो चुका है तो बीच में सब अवशेष गायब है। अगर हम पर्टिकुलर क्षेत्रों में उनमें देखें तो वहां आज भी पुरातन अवशेष मिलते हैं जो एक ही जैसे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक मान लिया राजधानी का मुख्य क्षेत्र होता है जहां पर बड़े महल या बड़े भवन होते हैं, और फिर कुछ ऐसा भी क्षेत्र होता होगा जहां पर कच्चे मकानों में लोग रहते होंगे, उस तरह की निशानियां वहां पर नहीं होती। बिल्कुल। तो एक तरह से जिस तरह का पूरा तात्विक खनन और उसका विश्लेषण होना चाहिए, उस अध्ययन का एक तरह से अभाव आप कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, लगभग ये सरसावा से लेकर पटनी के क्षेत्र तक, यानी कि चिलकाना सुल्तानपुर और इधर नकुड़ के क्षेत्र तक, अगर बराबर यमुना के किनारे, यमुना वो नहीं यमुना जो आज हम देखते हैं, बूढ़ी यमुना के किनारे अगर सर्वेक्षण किया जाए तो हमें पता चलेगा कि एक वरद नगर के अवशेष हमें क्रमिक विकास के रूप में मिलेंगे, तब हम सरसावा को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्राचीन काल में नौकावहन के अवशेष मिलना और उनके साक्ष्य मिलना, और यहाँ से फिरोज शाह तुगलक के समय में शिवालिक की लाट का लजाना नदी के माध्यम से बताता है, और इस नगर का नाम सिरसा पट्टन होना, पट्टन अर्थात ऐसा नगर जहाँ से जो नदी के किनारे हो और जहाँ से व्यापार होता हो, तो इसका नाम भी खुद में भी इसके ऐतिहासिकता का प्रमाण है। जी, अच्छा, कुछ और जैसे हम यहाँ से दूर दूर से नजर दौड़ाएं तो कई सारे मस्जिदें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज के समय में तो एक मुस्लिम बाहुल्य शायद ये कस्बा है? नहीं, ये असल में ये सरसावा एक मिश्रित धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ मुस्लिम भी हैं, जैन भी हैं, हिंदू भी हैं, और क्योंकि ये बड़ा समृद्ध क्षेत्र रहा था तो इसलिए पश्चिम से होने वाले आक्रमणों की दृष्टि में भी ये रहा, तो इसलिए ये विडम्बना का क्षेत्र भी रहा। सरसावा सहारनपुर के साथ साथ वो क्षेत्र है जिसमें लगातार आक्रमण होते रहे और ये अपनी समृद्धता के कारण इन त्रासदियों का कारण भी बना। गजनवी की सेना का एक भाग यहाँ भी आक्रमण करने के लिए आया था और 3 दिन यहाँ पर लूटमार और कत्लेआम होती रही, और ये उल्लेख प्राप्त होता है ऐतिहासिक साक्ष्यों में कि यहाँ के लोग ले जाकर गजनी में बेचे भी गए थे। अच्छा अच्छा, एक अगर हम देखें इसका, खैर आज तो ये जैसे हरियाणा से उत्तर प्रदेश की तरफ हम आते हैं तो उसके बाद फिर ये सहारनपुर के अंतर्गत ये जगह पड़ती है, तो 47 से पहले का यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था किस तरह का रहा होगा? देखिए, 47 से पहले ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के अधिपत्य में था। अच्छा, डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन था? अधीन था, क्योंकि 1803
में मराठों के साथ अंग्रेजों की एक संधि हुई थी, सुरजी अंजन गांव की संधि, उसी के तहत सहारनपुर के साथ बहुत सारा उत्तर प्रदेश या इसके आसपास के क्षेत्र को अंग्रेजों के अधीन होना पड़ा था। उसके बाद ये अंग्रेजों के द्वारा ही संचालित किया गया। और उससे पहले अगर आप नजर दौड़ाएं तो मुगलिया जो दौर रहा तो उसमें किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर थी? देखिए, मुगलिया दौर में भी ये दिल्ली के शासन के अधीन रहा, क्योंकि गंगा यमुना के दुआब का क्षेत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण था, न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि क्रांति की दृष्टि से भी, क्योंकि गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र है और राजपूत भी यहाँ के प्रखर रहे जो मुगलों के खिलाफ भी बराबर लड़ते रहे। तो ऐसे में इस क्षेत्र का संतुलन बनाना पूरे देश के संतुलन बनाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, तो मुगलों के लिए भी बड़ा गतिविधियों का केंद्र रहा। गुलाम कादिर हुए यहाँ, जिन्होंने मुगल बादशाहों को बड़ी चुनौती दी और उन्होंने कैद भी कर लिया था और उसके विषय में प्रसंग मिलता है। तो यहाँ सहारनपुर के अंदर उस समय का किले भी हैं मौजूद। अच्छा, तो अच्छा, जो सहारनपुर है इसके विषय में कुछ बताएं कि सहारनपुर के बारे में क्या मान्यता है, कि ये जो नाम आता है सहारनपुर ये क्यों पड़ा होगा और इस नगर की प्राचीनता के बारे में क्या अनुमान है? देखिए, नगर की प्राचीनता तो यह है, क्योंकि नाम को लेकर सहारनपुर के कुछ लोग कहते हैं ये सूफी संत शाह हारून चिश्ती के नाम पे रखा गया जी। कुछ लोगों का मत है यहाँ एक राजा हुए सहारनवीर, उनके नाम पे हुआ, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये नगर कुरु जंगल क्षेत्र में पड़ने वाला एक नगर था जो शिवालिक की पहाड़ियों से उतरता हुआ पहला नगर था। तो इसका जो प्राचीन नाम था वो सह अरण्यपुर था। सह मतलब सात, अरण्य जंगल, और पुर मतलब नगर, ऐसा जंगल जो नगर जो जंगलों के साथ लगा हुआ नगर था, ऐसे इसका सहारनपुर नाम था। जी जी जी। तो इस तरह से एक ये जिस तरह से आज हम देखते हैं कि ये हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश है, तो अगर हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो इस तरह का विभाजन नहीं है, एक राजनीतिक सीमा बंदी एक तरह से ये है, पर अगर हम और पीछे जाएं तो सब कुछ बहुत सहज है, साझा है। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। जब हम राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें लगता है कि हरियाणा अलग है, उत्तराखंड अलग है और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का ही भाग अलग है, किंतु जब हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं तो आधे से अधिक हरियाणा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, हरिद्वार और आपका बिजनौर, देहरादून, ये पूरा ही इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर तक का क्षेत्र एक ही क्षेत्र है, इसकी संस्कृति एक ही संस्कृति है और इसकी प्राचीनता भी एक जैसी है। जैसे यमुना के एक किनारे को दूसरे किनारे से केवल इसलिए अलग नहीं किया जा सकता कि वो इस प्रदेश का हिस्सा है, वो उस प्रदेश का है, ऐसे इस पूरे क्षेत्र की एक ही संस्कृति है, एक ही भाषा है, एक ही बोली है, एक ही तरह का खान पान है। तो ये पूरा क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से वही कुरु महाजनपद का एक हिस्सा है जो कोई प्राचीन काल में हुआ करता था। जी अच्छा, एक आपने भी बोली की बात कही और हम कई बार कौरवी की बात करते हैं, तो क्या कौरवी ही बोली रही है इस प्रदेश की, जो ये सांस्कृतिक प्रदेश की हम बात कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि प्राचीन काल में कुरु महाजनपद मिलता है तो कुरु वंश से जिसको हम मानते हैं, तो कौरवी भी वहीं से निकली है। कुरु महाजनपद की भाषा कौरवी है जो लोक भाषा है, और कौरवी और हरियाणवी में आप देखेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं पाएंगे। भले ही आज एक क्षेत्र की दृष्टि से हरियाणवी को हम मानते ही हैं कि हरियाणवी एक भाषा है या एक बोली है, और कौरवी इस कारण लुप्त हो गई क्योंकि वो एक बड़े प्रदेश का हिस्सा है, हम अवधि को मान बैठे, ब्रजभाषा को मान बैठे, दुर्भाग्य से कौरवी लुप्त हो गई। यद्यपि कौरवी एक पुरातन नाम है, एक पूरे क्षेत्र की एक भाषा का नाम है। अच्छा, अगर आप तो क्योंकि विचारते रहते हैं बोली के विषय में, कौरवी के विषय में, तो अगर हम आपसे कहें कि कुछ हमसे बात करें सरसावा के विषय में और कौरवी के माध्यम से, तो आप कैसे अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, पूरी भाषा के रूप में तो हम कौरवी से बहुत ज्यादा अलग हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे मूल शब्द हैं इस कौरवी के, इंग है, उंग है, इक्कर, उक्कर, वो आज भी हमारे बीच में समाये हुए हैं। हम गांव में रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उन्हीं शब्दों को सुनते हैं, भले प्रयोग ना करते हो, तो वो शब्द आज भी हमारे रूप में है। वही चीजें हरियाणा में हम देखने को मिलती है, वे उत्तर प्रदेश में मिलती है, वो हरिद्वार में हमें मिलती है। जैसे हम नए नहीं हम बोलते हैं, हमारी भाषा में नए नहीं है, अणय है। हम खाना बोल लेंगे, हम जाना बोल लेंगे, हम हरी
हम कुछ भी बोलेंगे नए नहीं बोलते, नए हमारे भाषा में नहीं है, हमारी बोली में नहीं है, अने बोलते हैं। एक आपने पीछे वो शेयर भी किया था कि बोबो शब्द एक बड़ा अनूठा शब्द है यहाँ का। जी जी बिल्कुल, कोरवी के बहुत सारे अनूठे शब्द हैं, बगड़ है, बोबो है। बोबो शब्द बड़ा खूबसूरत शब्द है, बोबो शब्द कोरवी का इतना खूबसूरत शब्द है कि इस शब्द की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। सामान्य रूप में हम देखते हैं कि बोबो शब्द का अर्थ होता है बहन, किंतु जब हम इसके प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं तो पिता भी अपनी बेटी को बोबो कह सकता है, एक बाबा भी अपनी पोती को बोबो कह सकता है, एक सामान्य सामान बेचने वाला व्यक्ति गांव में आता है वो भी किसी को बोबो कह सकता है, कोई अजनबी भी बोबो कह सकता है। और जैसे ही इस बोबो शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, वैसे ही इसके साथ में आने वाली पवित्रता और खूबसूरती इस शब्द के साथ में आखड़ी होती है, और फिर इतना पवित्र लगता है कि फिर उसके सामने कोई और शब्द पवित्र दिखाई नहीं देगा। और बताएं कि ये जो टीला है इसकी क्या संरचना रही होगी, इसको आप किस तरह समझ पाए हैं, और आखिरी बात एक तरह से कहें तो कब आबादी इसमें रही होगी, मतलब ये वीरान और ये टीले की शक्ल इस आबादी ने कब अख्तियार की होगी? देखिए, क्योंकि टीला संस्कृतियों के क्रमिक विकास का गवाह रहा है, ऐसे में इस टीले के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उससे पता चलता है कि इस टीले के ऊपर एक किले नुमा निर्माण रहा होगा, क्योंकि हमें इसे दो तरफ हमें बड़ी बड़ी दीवारों के अवशेष जैसे दिखाई देते हैं, और जिधर हम सामने की ओर बढ़ रहे हैं वहां कभी एक गुंबद का उल्लेख मिलता है। आज से करीब 125 साल पुरानी एक किताब में कि यहाँ गुंबद जैसा कुछ था, तो ऐसे में ये ऊपर की ओर जो स्ट्रक्चर है ईंटों के निर्माण वाला, ये एक किले नुमा लगता है जो मुगल काल तक संभवतः रहा होगा। लेकिन ये टूटकर आप देख सकते हैं ये कितना ऊंचा है, टूटने के बाद भी तो ये जब खड़ा होगा तो कितना विशाल रहा होगा। तो इससे पूरा सरसावा का दृश्य हमारे सामने दृष्टिगत होता है। तो मित्रों, ये है सरसावा का पूरा कस्बा। देखिए, यमुना के पास का क्षेत्र है और बूढ़ी यमुना तो बिल्कुल यहीं से पास होकर बहती थी, तो ऐसे में पानी की तो इस क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं है, तो यहाँ आसानी से पानी की उपलब्धता है, हरा भरा क्षेत्र है और ये हर प्रकार से सिंचित क्षेत्र है। जब बाबर की सेना का पड़ाव यहाँ लगा था तो उनके एक सिपह सलार तावदी बेग फाकसार ने कहा था कि ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। तब बाबर ने कहा था कि अरे तुम्हें खूबसूरत लगती है, चलो इसे हमने तुम्हें दे दिया। तो इस प्रकार पता चलता है कि मुगल काल में भी ये खूबसूरत जगह हुआ करती थी। तो अगर हम देखें कि सरसावा के जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, बाद में फिर उस तरह का उसका महत्व कम से कम हम बाहर वालों लोगों को नहीं लगता, तो फिर उसके ह्रास की एक बड़ी वजह क्या सहारनपुर का बड़े से बड़ा होता जाना है, वहां पे एक बड़ा केंद्र होता चला गया? बिल्कुल सी बात हो सकती है। बिल्कुल आपने बात चुकी ठीक कही। असल में पहले सरसावा बिल्कुल यमुना के किनारे था, तो सीधी सीधी आक्रमण वाला क्षेत्र ही हो गया था। तो लेकिन अच्छा। अंग्रेजों ने जब ये देखा कि यमुना पार से जो सिख आक्रमण उन पे होते हैं उसके लिए थोड़ा पीछे रहना जरूरी है, तो उन्होंने सहारनपुर को अपना सेंटर बनाया। अच्छा, कि रणनीति के तहत भी ये शिफ्ट हुआ पीछे की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, यद्यपि किला तो वहां मुगल काल में ही बन चुका था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी गतिविधियों का केंद्र सहारनपुर को बनाया। तो जैसे ही सहारनपुर को उन्होंने अपनी गतिविधि का केंद्र बनाया तो सरसावा का महत्व धीरे धीरे कम होता चला गया और ये केवल एक कस्बाई और ग्रामीण संस्कृति जैसा रह गया। और यानी कि अंग्रेजों को जिस तरह से अपने लिए कुछ बड़े शहर बड़े केंद्र बनाने थे, तो उसी पूरी यात्रा में कुछ जगह बड़ी से बहुत बड़ी होती चली गई जी, और कुछ जगह बहुत फिर सिकुड़ती भी चली गई। बिल्कुल, यमुना पार करके उनको एक सेंट्रल क्षेत्र चाहिए था जो सहारनपुर से बढ़िया नहीं हो सकता था, क्योंकि उससे इतना ही दूर देवबंद था और इतना ही दूर सुल्तानपुर चिल्काना और बेहट था, तो ऐसे में बीच वाली स्थिति उनको ज्यादा पसंद आई और सरसावा का धीरे धीरे महत्व कम होता चला गया। जी जी, तो कुछ और अगर आप बताना चाहें इस क्षेत्र के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की परंपराओं के बारे में? देखिए,
सहारनपुर जो है, अगर हम इसे पर्वतीय क्षेत्र की ओर से देखें, हाँ हाँ, तो एक अलग दृष्टिकोण से हम सहारनपुर को देख सकते हैं। और वो दृष्टिकोण ये है कि यमुनानगर में आदिबद्री क्षेत्र से लेकर सहारनपुर में माँ शाकुंभरी शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला से लेकर और आगे ऋषिकेश तक पर्वतीय श्रृंखला तक, ये पूरा जो क्षेत्र था, जो निचला पर्वतीय क्षेत्र और साथ के साथ जो पर्वत से लगती हुई श्रृंखला पूरी, ये तपोवन कही जाती है। यमुनानगर के आदिबद्री से लेकर और ऋषिकेश तक कई तपोवन मिलते हैं जहां प्राचीन काल में ऋषि मुनि तप किया करते थे। ओके। तो सहारनपुर भी एक ऐसी भूमि में से एक है जहां तपोवन है और प्राचीन ऋषि मुनियों की जगह रही है। तो हम अगर ऋग्वेदिक कालीन सांस्कृतिक जो परिदृश्य है उसको देखें तो ये पूरी श्रृंखला बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और हम ये भी मान सकते हैं कि जब प्राचीन जो हमारे पुरातन ग्रंथ जिनका प्रणयन हुआ तो इस श्रृंखला का भी पूरा अपना महत्व रहा होगा। जी, अरे जिस तरह से ये अपने पास में एक तरह से सरसावा ये पड़ता है इलाका, तो कुछ और भी ऐसी जगहें आसपास यहाँ पर ऐसी हैं जो अपने आप में पौराणिक महत्व की हों या फिर जिनका बारंबार किन्हीं बड़े ग्रंथों में जिक्र आता हो, कुछ ऐसी जगहों के बारे में आप बताना चाहें? बिल्कुल, सहारनपुर में एक तो शाकुंभरी देवी का जो प्राचीन स्थल है वहां पर, जी वहां एक प्राचीन क्षेत्र है सहस्त्र ठाकुर। सहस्त्र मतलब हजार, ठाकुर मतलब भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के वहां हजारों स्वरूप कभी प्राप्त होते थे, आज भी वहां अनेक अवशेष हैं। और वहां लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य कई मंदिरों का निर्माण हुआ जो समय के साथ काल कलवित हुए, उनके अवशेष वहां से प्राप्त होते हैं। और सहारनपुर का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है देवबंद, जिसका प्राचीन नाम देवबंद था, देवव्रंद के नाम से भी हम प्राचीन काल में जानते थे। तो वहाँ हमारी जो पठन पाठन और संस्कृत के अध्ययन की परंपरा थी देवव्रंद में प्रचलित रही। वहाँ पुरातन मंदिर है माँ बाला सुंदरी का, वो आज भी मौजूद है। वहाँ हजारों सती मंदिर है जो मुगल काल में जो हमारे वीर शहीद हुए थे उनकी जो कहते हैं वो धर्म पत्नियां थी, उन्होंने अपने जीवन को उनके लिए न्योछावर किया, वो आज भी अवशेष वहां देखे जा सकते हैं। और खुद में वो तालाब भी प्राचीन है जो पांडव कालीन तालाब है। और वहां अनेक संतों की जन्म स्थली भी वो क्षेत्र रहा, जिनमें से एक संत थे महाप्रभु हित हरिवंश, जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की जो वृंदावन में राधा के माध्यम से कृष्ण की उपासना के लिए जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पूरा तराई का इलाका है, यानी कि जिस तरह से ये हो सकता है कोई ऐसा समय रहा हो कि जब भूतल पर रहने वाले लोग एक खास अवस्था के बाद, यानी कि वानप्रस्थ में या संन्यास के लिए जब वो जाते होंगे, तो ऐसे जो आश्रमों की जो श्रृंखला है उसमें वो कहीं ना कहीं आश्रय लेते होंगे निसंदेह और अपना वो समय। और इसीलिए शायद चाहे देवी के बहुत सारे अवतार हों, चाहे भगवान शिव को समर्पित बहुत सारे मंदिर हों, इस तराई के इलाके में बहुत सारी वो चीजें वो जगह हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ बिल्कुल, देवी दुर्गा के प्राचीन मंदिर यहाँ देखने को मिलते हैं और अनेक गुप्तकालीन शिवलिंग भी यहाँ मिलते हैं, लेकिन सभी ये शिवालिक की तलहटी में मिलते हैं। और शिवालिक की तलहटी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सरस्वती, गंगा और यमुना, इन तीन नदियों के अंदर अगर हम देखें तो अगर जहां धरा पे उतरती है उसमें केवल 100 किलोमीटर का अंतर है, मतलब 100 किलोमीटर की यात्रा करके आप तीनों नदियों के पुरातन जल का स्पर्श कर सकते हैं। तो ऐसे में तो प्राचीन अगर इस क्षेत्र को माना जाए इस दृष्टि से, वानप्रस्थ की दृष्टि से, संन्यास की दृष्टि से, तो बड़ा महत्वपूर्ण और स्वाभाविक भी है कि व्यक्ति अगर संन्यास के लिए जाएगा और शांति के लिए वनों की ओर जाएगा, और वन हमारे उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर हमारी पुण्य भूमि है। और सहारनपुर के लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं भी हरिद्वार देवभूमि है, देहरादून देवभूमि है, और कुरुक्षेत्र के लिए कहते हैं वो ब्रह्म भूमि है। तो लेकिन मैं एक सवाल है सभी लोगों से कि लेकिन जो उसके बीच में भूमि है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, वो भूमि अपने परिचय से क्यों परिचित है? ठीक है, जो जिसके एक ओर ब्रह्म भूमि हो एक तरफ देव भूमि है तो भूमि क्यों पवित्र नहीं होगी? तो भूमि कोई राजनीतिक टुकड़ा नहीं है, ये भी देवभूमि है, ये भी ब्रह्म भूमि है, और ये तीनों ही भूमियां पवित्र भूमि है।
तो ऐसा ही कुरुक्षेत्र है, ऐसा ही सहारनपुर है और ऐसा ही हरिद्वार देहरादून है। ये पुरातन भूमि है, इसी को हम प्रणाम करते हैं, इसी के जल से आचमन करते हैं। जिस वैदिक नदी का जल का आचमन हमारे पूर्वजों ने किया था, ठीक है, उससे बढ़कर यात्रा हमारे पूर्वजों ने फिर गंगा और यमुना की और आज हम उसी के जल से सिंचित अन्न का हम भी भोजन करते हैं, हम भी उसी का हिस्सा है जी। अच्छा, एक इसी बात से जुड़ी हुई एक बात और ध्यान आ जाती है कि चूंकि जो सरसावा का जो आपका पूरा इलाका है ये हरिद्वार के रास्ते में पड़ता रहा है जी जी, तो जो तीर्थ यात्रा के लिए या सबके सब में जो लोग जाते रहे तो उनके भी जाने का ये मार्ग रहा है, उस उन सब पथिकों का भी साक्षी ये पूरा का पूरा ये जो कस्बा है, ये जो नगर है रास्ते के, वो सबके सब रहे होंगे, तो उन जाने वालों ने भी यहाँ की संस्कृति के ऊपर एक प्रभाव तो डाला ही होगा। बिल्कुल, यहाँ के लोगों को बारंबार याद दिलाया होगा कि हम आपके यहाँ से होकर जा रहे हैं और ये रास्ते का गंतव्य वो है। बिल्कुल, और जो लोग यहाँ से जाते होंगे वापस वो भी यहाँ से कुछ सूत्र लेके ही जाते होंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं इसके संदर्भ में एक पुरातन यात्री के विषय में बात करना चाहूंगा। चीन का यात्री है, महान यात्री माना जाता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जब इस क्षेत्र में आया था तो यमुनानगर के चेनेटी में एक बौद्ध स्तूप है, उसने वहां के दर्शन किए थे और उसके बाद से जो उसका वर्णन मिलता है वो वहां से सहारनपुर में आया, सरसावा और चिल्काना के बीच के क्षेत्र को होता हुआ वृद्ध हट गया, जिसे वर्तमान में हम सहारनपुर का एक कस्बा बेहट मानते हैं, फिर बेहट से होता हुआ मायापुर गया जिसे आपने हरिद्वार कहा। हरिद्वार का प्राचीन नाम गंगा द्वार था और मायापुर के नाम से जाना जाता था। तो इस बीच उसने 100 देव मंदिर देखे, तो अब आज कमाल की बात है कि उस काल का आज एक भी मंदिर हमारे बीच में नहीं है, हम उसके दर्शन नहीं कर पाते। सिर्फ माँ शाकुंभरी देवी का एक मंदिर को छोड़ दें तो 100 में से 99 मंदिर हमें कहीं नहीं प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में ह्वेनसांग जब आया, राजा हर्ष के समय वो आए थे, तो वे मंदिर हमारे बीच से कहाँ गए। 100 मंदिर केवल इतने ही क्षेत्र में थे लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। तो हम किसी न किसी सांस्कृतिक ऐसे संकट का हम शिकार हुए जीवन में कि हमने मंदिर भी खो दिए, अपनी संस्कृति से भी दूर हो गए, अपनी परंपराओं से भी हट गए। हम फिर से उन परंपराओं से जुड़ना चाहते हैं, हम फिर से उन्हीं चीजों को छूना चाहते हैं, हम फिर से उसी जल में आचमन करना चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया था और हम उसको नमन करना चाहते हैं। तो मित्रों, ये थी हमारी सरसावा के इस पुरातात्विक टीले की एक यात्रा और हमने ये यात्रा तय की हमारे विद्वान मित्र राजीव उपाध्याय जी के साथ। आप यहीं पास में ही रहने वाले हैं, लगातार संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, इन सब विषयों को जोड़कर एक समग्र परिवेश में आप देखने का प्रयास करते हैं। आपके जीवन की एक पूरी यात्रा के ये जैसा है और हमने भी इस टीले की यात्रा के बहाने एक पूरे क्षेत्र को समझने की, टटोलने की कोशिश की है। और मुझे ऐसा लगता है इस पूरी यात्रा के बाद के आगामी यात्राओं की एक ये क्या कहें, आरंभिक परिचय के जैसी की यात्रा है। इतनी सारी बातों को उपाध्याय जी ने एक साथ छुआ है कि उन सभी बिंदुओं पर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की, जानने की, उन सब के साथ गमन करने की पूरी गुंजाइश रहती है। और इसके बाद हम अपने स्तर पर भी इन चीज़ों को विचार सकते हैं और उपाध्याय जी के साथ जुड़कर उनके इस काम में उनका सहयोग कर सकते हैं और अपने आप भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल अगली बार तक के लिए उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत आभार। इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपसे एक बार मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे आपने कई जन्मों की यात्रा एक साथ तय कर ली हो, तो बहुत सुंदर अनुभव रहा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका और सभी का आभार। आशा है इस सरसावा को आप भी नई दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।